और क्या उद्देश्य था इसका? आज 30 जनवरी है, सभी को अच्छे से व्याप्त है कि आज गांधी वध हुआ था और हमारे लिए बहुत ही शौर्य का दिवस है। हिंदू महासभा 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है और आज हमने एक नई परंपरा का शुभारंभ किया है और वो परंपरा है कि जिस तरीके से गांधी को गोली मारी गई थी 30 जनवरी को महात्मा नाथुराम गोडसे द्वारा, तो उसी घटनाक्रम का एक पुनरावलोकन किया गया है और महात्मा गांधी के पुतला बना करके उसको गोली मारी गई है। ये करना जो है ठीक उसी तरीके से जैसे हर साल हम रावण जलाते हैं, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि आने वाली पीढ़ी इस बात को जाने कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और जान सके कि रावण इतना पराक्रमी होने के बावजूद जो है उसके कर्म गलत थे, उसका कुछ डिसीजन गलत थे जिसके चलते जो है उसकी हार हुई और उसका वध हुआ। ठीक उसी तरीके से हम गांधी को देखते हैं कि हम मानते हैं कि उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा स्वतंत्रता को लेकर के, लेकिन उनका वो डिसीजन जिसने भारत माता का वध कर दिया, जिसने भारत माता के टुकड़े कर दिए, ऐसे में वीर हिंदूवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार करके जो शौर्य का कार्य किया वो काबिले तारीफ है, वो वंदनीय है, वो पूजनीय है। राष्ट्रपिता कहते हैं उन्हें, तो उनका तो योगदान। राष्ट्रपिता जी कोई संवैधानिक पद है ही नहीं है, किसने कह दिया? आपने चलाना शुरू कर दिया, आसाराम बापू को बापू कहते हैं, बापू कहने लगे, अब कितने बापू हो गए, मुरारजी बापू को बापू कहते हैं। क्या योगदान था नाथूराम गोडसे? नाथूराम गोडसे का तो पूरा योगदान था, ये तो क्रांति का हिंदू महासभा ही क्रांतिकारियों का जो है पूरा गढ़ है। आप पढ़िए उनके साहित्य को, असली साहित्य में अवेलेबल कराऊंगी, आप जाइए पुणे में देखिए जहाँ पर अस्थि इंतजार कर रही है, जो वो लिख करके मरे थे, उनको फांसी दी गई थी, उससे पहले उन्होंने अपने उसमें नोट कराया था कि मेरी अस्थियाँ तभी विसर्जित करना जब भारतवर्ष अखंड हो जाए और हिंदू महासभा आखिरी सांस तक इस प्रयास में रहेगा, हर हर गोडसे और घर घर गोडसे पैदा करेगा। अभिषेक उस साइड जाओ, दादा उस साइड जाओ, बहन इधर चलाना नहीं अभी तो फोटो सेशन हो, आप जो कर रहे करो। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे, हाँ भाई सब रेडी है, महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे, अखिल भारत हिंदू महासभा। कैमरा चल रहा है, तीन गोली चल रही है, नीचे आकर बनाया तो ऊपर है। गन्ना खून था इसका, चलिए आप आग लगा माचिस, पीछे से लो, पीछे से पीछे से लो, पीछे से लो, नीचे से लो, नीचे कम पड़े तो निकाल लेना, बैठ नीचे से आ रहा है, अरे नारे लगा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। श्रीयुत श्री प्रकाश जी का प्रयत्न निष्फल रहा, अब 55 करोड़ रुपयों की बात लीजिए, उप प्रधानमंत्री का निवेदन देखिए, गांधी ने स्वयं कहा कि किसी गवर्नमेंट से उसका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाए, लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन दिया। सरकार ने 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया।